सभी को नमस्कार। मुझे हिंदू जन जागृति समिति की ओर से ये बताने में हर्ष हो रहा है कि जैसे हर वर्ष हिंदू जन जागृति समिति की ओर से हिंदू राष्ट्र के लिए अधिवेशन लिया जाता है, उसी प्रकार का अधिवेशन इस वर्ष दिल्ली में 19 और 20 नवंबर को होने वाला है। बंधुओं, इस अधिवेशन में हिंदू राष्ट्र की तो चर्चा होगी, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए जो आज बाधाएं हमारे सामने दिखाई दे रही है, लव जिहाद, श्रद्धा वाले करके किस प्रकार से 35 टुकड़े करके हत्या की गई, कैसे लव जिहाद बढ़ रहा है, वक्फ बोर्ड का जिहाद, कैसे भारत में हिंदुओं की जमीने के ऊपर यह वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है, लैंड जिहाद उसके द्वारा चल रहा है। केवल इतना ही नहीं तो इसके आगे जाकर के लव जिहाद, लैंड जिहाद और ऐसे कई सारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा होगी। जो हमारे मंदिर है जिनके ऊपर सरकार का नियंत्रण है उसके बारे में चर्चा होगी। भारत में जो हिंदू बहुसंख्यक है उसके ऊपर किस प्रकार से अन्याय चल रहा है और माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है उसी को सारी सुविधाएं किस प्रकार से मिल रहे उसके बारे में चर्चा होगी। बंधु, इस अधिवेशन में बहुत सारे गणमान्य वक्ता आएंगे, बहुत सारे पूरे उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, ऐसे हरियाणा, ऐसे करीब करीब 8 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें आएंगे। इस हिंदू राष्ट्र की मांग को आप भी समर्थन दीजिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग कीजिए। धन्यवाद। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में रह गया सिर्फ एक साल का समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 15 नवंबर 2022 से रोजाना 2 विधानसभा 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम अजमेर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर, 9571204206।